दोस्तों, क्या हुआ जब राधा रानी ने ठीक किया अपने भक्त का कुष्ठ रोग? क्या है राधा नाम की महिमा? दूसरा एक व्यक्ति था जिसे कुष्ठ का रोग हो गया था। वह अपने रोग से बड़ा परेशान रहता था और हमेशा दुखी रहता था। किसी ने कहा कि तुम वृंदावन चले जाओ। अब वह व्यक्ति वृंदावन आ गया और सड़क के किनारे बैठा रहता। जो भी वहां से निकलता उसे कुछ ना कुछ उपाय बताकर जाता। कोई कहता है ये लगा लो, कोई कहता है वो लगा लो, कोई कहता है ये खा लो, कोई कहता है वहां चले जाओ। इस प्रकार सभी कहते, परंतु सब करने पर भी उसका रोग दूर नहीं हो रहा था। वह बहुत ही ज़्यादा निराश हो गया था। तभी एक बार एक बड़े सरल बाबा वहां से निकले और उनकी दशा को देखकर बोले, तुम बैठे तो रहते ही हो, अपने मुख से श्री राधे भी कहा करो। अब उस कोड़ी ने ऐसा किया कि राधे राधे कहने लगा, और जब उसके घाव में बड़ी वेदना होती थी तब और भी करुण स्वर से हा राधे राधे कहता था। एक बार श्री कृष्ण ब्रज की गलियों से जा रहे थे, तब उन्होंने उस कुड़ी की आवाज़ सुनी जो दर्द में राधे राधे कह रहा था। जब भगवान ने राधे राधे सुना तो तुरंत उस कुड़ी की ओर भागे और उसके पास आकर उन्हें लगा जैसे राधा रानी जी ही खड़ी है। भगवान श्री कृष्ण ने उस कुड़ी को गले लगा लिया और स्वयं श्री राधे राधे कहने लगे। पीछे से राधा रानी जी भी आ गई और बोली कि मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, आप किसको राधे राधे कह रहे हैं? पर भगवान तो उसे ही कसकर पकड़कर राधे राधे कहते जा रहे थे। जब बाद में कुछ होश आया तो देखा कि राधा जी तो पीछे ही खड़ी है। भगवान का स्पर्श मिलते ही उसका कोढ़ रोग और राधा नाम की शक्ति से ठीक हो गया और उस व्यक्ति ने भगवान के चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की सहायता से हर किसी के हर रोग दूर कर देती है। यदि आप राधा नाम लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण भी आपके पास दौड़े चले आते हैं और आपकी हर पीड़ा और दुख दूर कर देते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण राधा नाम से खींचे चले आते हैं। राधे राधे।